गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। हम डील कर रहे हैं करंट अफेयर्स ऑन अ वीकली बेसिस। कल हमने डील किया था अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम उपयोगी है, उसको आज हम उसके ऊपर देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन वन है हमारे पास में, व्हेन इज नेशनल हैंडलूम्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये प्रति वर्ष हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अगस्त को। सन 2015 में पहली बार इसे चेन्नई में नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। और ये 7 अगस्त हमारी एनिवर्सरी भी है किसकी, 1905 से शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की, बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में, ये 7 अगस्त को ही शुरू हुआ था। तो ये हमारी एनिवर्सरी भी है, इसलिए हम इसको क्या सेलिब्रेट करते हैं, हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नेशनल हैंडलूम्स डे ऑब्जर्व। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस वर्ष मनाया गया था, 2015, 2016, 2017 या फिर 2018। तो अभी हमने देखा इसे 2015 में पहली बार नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई में क्या किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद से हम प्रति वर्ष 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या फिर नेशनल हैंडलूम्स डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड टू कंडक्ट फर्स्ट स्किल सेंसस ऑफ इंडिया। भारत की किस राज्य ने भारत की पहली कौशल जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है, स्किल सेंसस। इसमें इस राज्य ने बताया है कि हम अपने राज्य में सभी लोगों का कौशल जनगणना के माध्यम से ये देखेंगे कि किसके पास में किस प्रकार के स्किल हैं या फिर किस प्रकार के स्किल्स को उनमें डेवलप किया जा सकता है, इनकल्केट किया जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग फिर उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो ये जो सरकार है ये है आंध्र प्रदेश की सरकार। भारत का पहला जनगणना जो कौशल आधारित होगा ये आयोजित कराने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में ब्रिटेन का सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है, डेविड हॉविल, श्रेयस रॉयल, हरिका द्रोणावली या फिर जोनाथन पेनरोज। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश चेस प्लेयर श्रेयस रॉयल 15 साल 7 महीने की उम्र में चेस के ग्रैंड मास्टर बन करके ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट क्या बन गए हैं, ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर इन बीमस्टेक। बीमस्टेक में ई क्या दर्शाता है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक या फिर इरेडिकेशन, रोजगार, शिक्षा, आर्थिक या फिर उन्मूलन। तो ये जो बीमस्टेक है इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो जो ई है ये है आपका क्या, इकोनॉमिकल, यानी यहां से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों के लिए जवाब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन बीमस्टेक। बीमस्टेक में कितनी कंट्रीज हैं, कौन कौन से देशों का समूह है बीमस्टेक, ये आप लोगों को बताना है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई कितने देश इसमें हैं,
तो कुल मिलाकर के इसमें कितने देश हैं? 7 देश हमें देखने को मिलते हैं, और ये कौन कौन से 7 देश हैं? ये है भारत, भूटान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। ठीक है, तो ये 7 देश हमें किसमें देखने मिलते हैं? बीमस्टेक में देखने मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें पाकिस्तान इसका एक सदस्य नहीं है, है ना? तो भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ये कुल मिलाकर के 7 देशों का एक समूह है। कौन? बीमस्टेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी कैटेगरीज आर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार गिवन? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो विज्ञान, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है हमारा, कुल मिलाकर के 4 श्रेणियों में दिया जाता है क्या राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की एक श्रेणी नहीं है? विज्ञान रत्न, विज्ञान भूषण, विज्ञान श्री या फिर विज्ञान युवा? विज्ञान रत्न, विज्ञान भूषण, विज्ञान श्री या फिर विज्ञान युवा, इनमें से कौन सी एक श्रेणी नहीं है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की? यह है आपका विज्ञान भूषण। विज्ञान भूषण जैसा कोई भी कैटेगरी नहीं है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who amongst the following became the first recipient of विज्ञान रत्न पुरस्कार for lifetime contribution in the field of science and technology? तो निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति या फिर कौन से साइंटिस्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं? डॉक्टर आनंद राधा कृष्णन, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभ, डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी या फिर प्रोफेसर उमेश वर्षने? ये हैं आपके प्रोफेसर गोविंद राज पद्मनाभन, जिन्होंने मलेरियल पैरासाइट के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर एक लाइफ टाइम रिसर्च के लिए इन्हें क्या मिला है? विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार गिवन इन 2024? 2024 में दिए गए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में क्या सत्य है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और फिर उसके जवाब देते हुए चलेंगे। इट इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अ टोटल ऑफ 33 अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड टू डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट्स इन 4 कैटेगरीज, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा एंड विज्ञान टीम। थर्ड स्टेटमेंट है, गोविंद राजन पद्मनाभन, अ पायनियर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इन इंडिया, वॉज प्रोवाइडेड विद विज्ञान रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 4 है, अ टोटल ऑफ 13 विज्ञान श्री एंड 18 विज्ञान युवा अवार्ड्स वर गिवन। क्वेश्चन नंबर 5 है, माफ कीजिएगा, स्टेटमेंट नंबर 5 है, द विज्ञान टीम अवार्ड वॉज गिवन टू अ टीम ऑफ 3 or more साइंटिस्ट फॉर मेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वॉज गिवन टू द टीम ऑफ चंद्रयान 3 फॉर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 लैंडर नियर द साउथ पोल ऑफ मून। इनमें से कौन से कथन या कौन कौन से कथन सत्य हैं, ये आप लोगों को बताना है। 2 मिनट आप लोग ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे। पहला कथन है, यह राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का पहला संस्करण था। दूसरा है, ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम, और कुल मिलाकर के 33 प्रदान किए गए हैं इस बार। तीसरा है, भारत में आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत गोविंद राज पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। और चौथा स्टेटमेंट है,
कुल 13 विज्ञान श्री और 18 विज्ञान युवा पुरस्कार दिए गए हैं। पांचवा स्टेटमेंट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में अभूतपूर्व का अनुसंधान योगदान के लिए 3 या अधिक वैज्ञानिकों की टीम को दिया जाने वाला विज्ञान पुरस्कार टीम चंद्रयान 3 की टीम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 लैंडर की सफल लैंडिंग के लिए दिया गया है। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। तो जो जवाब है ये हमारे लिए है ऑप्शन नंबर D। सभी के सभी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और यही वो 5 स्टेटमेंट्स हैं जो आप लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए आप लोगों के एग्जाम के लिए। यहाँ हमारे लिए अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी महत्वपूर्ण रही है, उसके ऊपर हमने जो बेस करके बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया है, ये होता है समाप्त। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।